दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक है किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। औरंगाबाद में बैंक की मनमानी तथा अड़ियल रवैये का मामला सामने आया है। पूरी कहानी स्टेट बैंक के सिमरा शाखा से जुड़ी है। अम्बा थाना की कचपा निवासी वृद्धा फूलमतिया देवी अपने जीवन भर की पूरी कमाई यह सोचकर स्टेट बैंक में जमा कराई थी ताकि समय पर यह रुपए उनके काम आ सके, मगर जब उन्हें यह रुपयों की जरूरत पड़ी तब वो लाचार होते हुए भी अपने परिजनों के साथ 3.5 लाख रुपए की रकम लेने बैंक पहुंची। मगर बैंक के प्रबंधक ने अड़ियल रुख अपनाते हुए इन्हें ये रुपए नहीं दिए। दर्जन भर से अधिक बार जब बैंक जाने के बाद भी इस वृद्धा को बैंक से रुपए नहीं मिले तब वे सभी समाहरणालय पहुंचे और इस मामले की शिकायत की। जैसे ही ये जानकारी इलाके के जनप्रतिनिधियों को लगी वे भी इस पीड़ित वृद्धा के साथ हो गए और बैंक की मनमानी के खिलाफ समाहरणालय पर धरने पर बैठ गए। हमला चार में बड़ी पड़ी आवे जाए में उम्र टूट गई कई महीना से ढो गई थी। चार में पड़ी एक नाम मर जाए हम तो कहे न मिले सरकार हम सुई दवाई करे थी हम कुछ मिले गरीब हम जैसे मरे थी बड़ी परेशान में हम आवे में बड़ी परेशान हो जाए छे सरकार हमारा जान बचे रखे सोचे। डिपॉजिट पैसा सा जो खाते में डला चुका है और मैनेजर साहब बार बार हम लोग दोनों को दौड़ाते हैं और बोलते हैं कि तू हमको हम पैसा नहीं देंगे। हम सर डीएम साहब से फोन कराए, एलडीएम साहब भी फोन किए मगर उनको बात के उल्लंघन कर दिया गया और 6 महीना से हमको दौड़ा रहे हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, 50,000 रुपया हम लेंगे तब तुम्हारा पैसा देंगे। ये बात है, हम लोग चाहेंगे कि हमको पैसा दादी को दिलाया जाए। ये मेरे सर ने कौन ऐसे बोलते हैं? ऐसे मैनेजर साहब बोलते हैं सर। कहाँ का मैनेजर? जो ये सिमरा ब्रांच के हैं सर, एसबीआई का, जिनका नाम है सुनील कुमार। मामला ये हमारे क्षेत्र के है और इनका पैसा नवंबर में फिक्स डिपॉजिट था जो खुल गया, उसके बाद ये 6 माह से लगातार घूम रहे। उसके बाद हम लोग से संपर्क किए, कहे कि मैनेजर साहब से हम लोग को दौड़ाते दौड़ाते शादी भी है घर में अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम गए, हम भी उनको मैनेजर साहब को आग्रह किए, उसके बाद भी 3 माह हो गया नहीं हुआ। तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय से अपील किया, आग्रह किया, तो उन्होंने तुरंत एलडीएम साहब को फोन लगाया। एलडीएम साहब भी तुरंत मैनेजर को कहा कि बस 2 दिन में पेमेंट कर दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कम से कम 20 दिन हो गया। इसी प्रकार से टांग के ले जाना, कम से कम 10 बार ये बैंक में बुलवाया और पेमेंट न देना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस तरह का व्यवहार करना ये जो अमाननीय है, जो बड़ा इसको हम घोर निंदा करते हैं। और आज जब तक ये समस्या का हल नहीं होगा हम लोग यही रहेंगे। जब तक वरीय पदाधिकारी इनका समस्या का हल नहीं करते हैं तो आप हम लोग यही अभी रहेंगे।
जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक जब तक इनका समस्या हल नहीं, पैसा नहीं पूरा, मांग तो कुछ है नहीं, इनका अपना पैसा है। अब कहने में भी अफसोस है, बताइए इनका अपना पैसा है, लोन भी नहीं है। जब लोन नहीं है तो फिर मांग तो कुछ है नहीं, इनका अपना पैसा हक है। और जब इनका हक वाजिब हक नहीं मिल रहा है, इस पर हम लोग को खेद प्रकट करते हैं। और ऐसे लापरवाह पदाधिकारी को पोस्टे भी हैं और उन पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। मरीजों को मुफ्त तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, मगर विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सरकार के इन सारी कोशिशों की हवा निकालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद के सरकारी एम्बुलेंस सेवा की। एक ओर अमूमन जहां एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों की मौत के मामले सामने आते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस मरीजों की सेवा में तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि सरकारी फाइलें धोती जरूर दिख जाती हैं। ऐसा ही एक मामला नजर आया औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर में, जहां उबरा पीएचसी से आया एक एम्बुलेंस सरकारी फाइलों को धोता नजर आया। चालक से जब जानकारी ली गई तो उसने पीएचसी प्रभारी तथा अस्पताल प्रबंधक के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इनके कहने पर ही वे ऐसा कर रहे हैं। इधर सिविल सर्जन से जब इस गंभीर मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने उबरा पीएचसी प्रभारी का बचाव करते हुए कहा कि चूंकि एम्बुलेंस ईंधन भरवाने औरंगाबाद आ रहा था तो प्रभारी ने इन कागजातों तथा सामानों को ले आने का निर्देश चालक को दिया था। हालांकि उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच कराए जाने की बात भी कही। तो मैनेजर से बात करें सर, हम लोग आदेश के हिसाब से कहा गया, हम लोग से थोड़ी इसको लेके आएंगे, होना तो ऐसा नहीं चाहिए ना जी, तो हम बोल रहे हैं सर। नहीं तो बोले थे कि पेंसिल लगी है ना, तो लेके आ जाती, इसके लिए हमको मत डालिए सर, हमको डालिए तो हमको क्या करीब का काम गलती है इसमें बताइए। हम लोग मैनेजर से बात, नंबर दे देने बात करवा दे रहे हैं, उनका आदेश था जी, उनका आदेश था, हम लोग अपने से थोड़ी काहे करेंगे, हम लोग स्टाफ हम 60,000-70,000 की नौकरी कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी इसमें अपना कुछ करेंगे। अच्छा, क्या आदेश था पूरी बताइए, पूरी बात बताइए। हुआ कि जाइए आप वहाँ सदर, वहाँ से सामान लेके आइए। हाँ, वो मैंने जैसे ही आपका आपकी सूचना मिली तो मैंने उनसे पूछा स्पष्ट कर, और वो मैंने DHS पे लोड कर दिया, तो वहाँ के प्रभारी ने मुझको तुरंत सूचना दिया कि सर वो फ्यूलिंग कराने जा रहा था, तो हमने आदेश दिया कि आप उधर से मेरा सामान लेते आइए। तो मैं ये समझता हूँ यदि है सत्य बात है, यह पेंडिंग है इंक्वायरी में, यदि यह सत्य बात है तो अच्छी बात है कि इसे नहीं लगा और हल्का फुल्का कार्टन हो गया तो चलाया, चूँकि इधर से तो वो लेके जाएगा नहीं मरीज, तो वो यदि कर दिए हैं तो कोई गुनाह नहीं किए हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इंक्वायरी है यदि यह सत्य। औरंगाबाद के दाऊद नगर में राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की बैठक की गई, जिसमें प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया। प्रबंधन के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने बताया कि संगठन का विस्तार करते हुए जिले के 3 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्षों एवं दाऊद नगर के नगर अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के कार्यालय में आयोजित एक समारोह में जिलाध्यक्ष ने नवनवनीत अध्यक्षों को मनोनयन पत्र सौंपा और इनसे जल्द ही संगठन विस्तार की उम्मीद जताई गई। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि राजद आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ राजद का सबसे मजबूती से काम करने वाला एक प्रकोष्ठ है। गांव-गांव एवं पंचायत स्तर तक संगठन को सशक्त बनाया जा रहा है। संगठन का उद्देश्य आपदा की स्थिति में आम जनता की सहायता करना है। समाज में व्याप्त करीतियों को दूर करने के लिए कार्यकर्ता कृत संकल्पित हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य उद्देश्य गरीब गुरबा जनता दल तक पहुँचना। आज का जिला अध्यक्ष औरंगाबाद आपका प्रकोष्ठ की तरफ से जिला कमेटी का विस्तार किया है और प्रखंड अध्यक्षों को बोलिए ये निर्देश निर्गत करते हुए प्रमाण पत्र दिया हो कि आप गाँव के प्रखंड के पंचायत स्तर तक जाए और अध्यक्ष को मनोनीत करें और गरीब गुरबा की दलित से महादलित सेवा। राष्ट्रीय जनता दल आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ जिला कमेटी का विस्तार हुआ है, नए प्रखंड अध्यक्ष नए नगर अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य है कि हमारा पहुंच गांव-गांव तक हो, और यह सिर्फ राजनीति के लिए संगठन नहीं है। हम लोग हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का स्पष्ट कहना है, तेजस्वी जी तेज प्रताप जी आदरणीय लालू जी का, कि हमारे कार्यकर्ता हर उस जगह पर पहुंचे जहां पर कोई मानवता पीड़ित हो,
हम दबे कुचले गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, हम सामाजिक सौहार्द स्थापित करेंगे और समाज में जहाँ भी किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत होगी, हमारे युवा कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँच करके उनकी सहायता करेंगे। इसी उद्देश्य से और जन जन तक हमारा पहुँच हो, इसलिए हमने अपने प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का मनोनयन किया है और एक महीने के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर जी के नेतृत्व में पंचायत स्तर तक हमारे प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का मनोनयन हो जाएगा, हमारी कमेटी गठित हो जाएगी। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता गांव गांव हरेक लोगों से मिलेंगे और अपने दल की नीतियों से अवगत कराएंगे। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। बिनोद ट्यूटोरियल, हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, नामांकन जारी है। हमारे यहाँ दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य संपर्क करें। बिनोद ट्यूटोरियल, अनुग्रह मिडिल स्कूल के नजदीक, औरंगाबाद। औरंगाबाद में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी शिक्षक को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला ओब्रा थाना क्षेत्र के बभनाडीहा स्थित उर्दू मध्य विद्यालय से जुड़ा है। बाद में इस आशय की एक प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को महिला थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना के विरोध में राजद की दाऊद नगर इकाई ने प्रभारी सुनील कुमार के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। छात्र राजद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया और मुजफ्फरपुर के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। शहर के लखन मोड़ से अपने अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लिए छात्र राजद नेता एवं कार्यकर्ता भखरुआ मोड़ पहुँचे, जहां नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की मांग की। जिस तरह से बिहार में मुजफ्फरपुर में कई बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और नीतीश कुमार एकदम साइलेंट मूड में रहे और उसको दबाने का प्रयास किए, हम लोग जिस तरह से तेज तेज से उसको मुद्दा उठाए, उस लोग हम लोग उसी नीतीश कुमार के विरोध में बच्चियों के समर्थन में हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वही हसपुरा में भी मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कैंडल मार्च निकाला। 50 से ज्यादा की संख्या में रहे कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार तथा समाज कल्याण मंत्री के इस्तीफे की मांग की, वहीं पूरे मामले पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। आज हम लोग राजद के सभी कार्यकर्ता लोग पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कैंडल मार्च के लिए निकले हुए हैं और जब तक अपराधियों की सजा नहीं मिलेगी हम लोग आंदोलन आगे करते रहेंगे और कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।